हाउ टू फाइंड अनलिमिटेड YouTube वीडियोस आइडिया। देखो भाई, आज की डेट में YouTube पर काम करना इतना आसान नहीं होता है। YouTube चैनल खोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर काम कर पाना इतना आसान नहीं होता है। स्टार्टिंग के डेज में हर एक यूट्यूबर को एक समय के बाद यही दिक्कत आती है कि वह अपने निश के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे आइडियाज कैसे लाए, उनके पास आइडियाज खत्म हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने ही निश के अकॉर्डिंग कई सारे अनलिमिटेड आइडियाज को ढूंढ सकते हैं, लेकर के आ सकते हो और उन पर काम करके वीडियोस बना सकते हो। और जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, पर्सनली मैं खुद उन तरीकों को यूज़ करता हूँ और काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी उन तरीकों को यूज़ करते हैं और अपनी वीडियोस के लिए अनलिमिटेड आइडियाज लेकर के आते हैं। पॉइंट नंबर 1, वॉच अदर क्रिएटर्स वीडियो। देखो भाई, तुमने YouTube चैनल खोल लिया, तुमने जिस भी कैटेगरी में अपना YouTube चैनल खोला है ना, उसी कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करो, उनके चैनल पर टाइम टू टाइम विजिट करो, उनके कमेंट सेक्शंस को रीड करो और उनकी रीसेंट वीडियोस को देखो। जब तुम उनकी रीसेंट वीडियोस को देखोगे तो उनकी वीडियोस में तुम्हें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिनको पकड़ करके तुम एक टॉपिक तैयार कर सकते हो और उस टॉपिक पर थोड़ी सी रिसर्च करके तुम एक डेडिकेटेड वीडियोस बना सकते हो। और अगर उनके वीडियो तुम्हें कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है तो तुम उनके कमेंट सेक्शन को रीड कर सकते हो। जो उनकी ऑडियंस होती है वो खुद उनसे सवाल पूछती है, उनसे जवाब मांगती है कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है, इस जगह पर ये दिक्कत है, या फिर भाई इस पर वीडियो बना दो या उस पर वीडियो बना दो। तो तुम वहां से भी काफी सारे टॉपिक उठा सकते हो और उस टॉपिक पर थोड़ी सी तुम्हें अपना भी दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर तुम वीडियो आराम से बना सकते हो। और इस पॉइंट की मदद से अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारे पास कभी भी टॉपिक की कमी नहीं रहेगी तुम्हारे नीच से रिलेटेड। और भाई, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो सब यही करते हैं, अपने नीच से रिलेटेड बड़े बड़े यूट्यूबर्स को वो लोग फॉलो करते हैं, उनके चैनल पर विजिट करते हैं, उनके कमेंट सेक्शन को रीड करते हैं और वहां से टॉपिक उठा करके वीडियोस बना लेते हैं। जब तुम ऑडियंस की बताई हुई चीज पर ही काम करोगे तो तुम्हारे वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, YouTube ऑटो सजेशन। अब भाई, तुम्हें YouTube पर काम करना है ना, तो तुम्हें YouTube खुद बताएगा कि तुम अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बना सकते हो। बस सिंपली तुम्हें अपना YouTube खोलना है और सर्च बार पर क्लिक करना है अपनी वो चीज जिस चीज से रिलेटेड तुम वीडियोस बनाते हो। एग्जांपल के तौर पे आप मेरा चैनल ले सकते हो जिस पर मैं YouTube की वीडियोस को डालता हूं और YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो मैं सिंपली यहां सर्च करूंगा हाउ टू। अब आप देख सकते हैं मुझे कितने सारे यहां पे YouTube ने वो टॉपिक सजेस्ट कर दिए हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं और लोग यहां पर वो चीज सर्च भी कर रहे हैं। अब मैं इन सभी टॉपिक में से कोई भी 2-3 टॉपिक उठा लूंगा जिसको मैं आसानी से बना सकता हूं, जिस पे मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहां पर हाउ टू ग्रो शॉर्ट्स चैनल ऑन YouTube, हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, हाउ टू रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम YouTube वीडियोस। इनमें से आप कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हो, थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करके, मेहनत करके आप वीडियो बना सकते हो। इस ट्रिक को यूज करने से भी आपके पास कभी भी आइडियाज खत्म नहीं होंगे आपके नीश में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 कोई टिप या फिर ट्रिक नहीं है, एक एप्लीकेशन है जहां पर आपको डेली 5 आइडियाज फ्री में दिए जाएंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है vidIQ। आप सिंपली प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को खोलने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा डेली आइडियाज का, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डेली यहां पर आइडियाज दिए जाएंगे 24 घंटे में एक बार आपके ही निश से रिलेटेड। आप यहां पर पढ़ सकते हैं जो भी आपको आइडिया अच्छा लगेगा जिस पर आप इजीली वीडियो बना सकते हो। तो 5 आइडियाज में से कोई ना कोई एक आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा जिस पर आप वीडियो बना सकते हो। और हालांकि इसका पेड वर्जन भी आता है जिसमें आपको कई सारे फीचर्स और भी मिलेंगे और आइडियाज भी मिलेंगे। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के डेज में आप ना खरीदें। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का नाम है YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, YouTube कई तरीकों से आपको बताता है कि आपको किस टॉपिक पर आपकी नेक्स्ट वीडियो बननी चाहिए। पर सिंपली आपको अपना YT स्टूडियो खोलना है और एनालिटिक वाले ऑप्शन पर जाना है और एनालिटिक पर जाने के बाद आपको जाना है रिसर्च टैब में। और रिसर्च टैब में आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक यहाँ पर मुझे YouTube ने खुद दिखा दिया कि जिस पर मैं वीडियोस बना सकता हूँ और मेरी ऑडियंस इन चीज़ों को सर्च कर रही है, देखना पसंद भी करती है। आप देख सकते हैं रीसेंट वीडियोस रिलेटेड टू एडिटिंग, मुझे यहाँ पे एडिटिंग की 3 वीडियोस मिल गई हैं। और नीचे जाएंगे तो आपको रीसेंट वीडियोस रिलेटेड टू अर्निंग मिलेगा। आपको यहाँ पर भी कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे और इतने सारे टॉपिक दिए जाएंगे, आप इनमें से इजीली कोई भी वो टॉपिक उठा सकते हैं जिसके ऊपर आप इजीली वीडियो बना सकते हैं अपनी कम मेहनत लगा करके। बस आपको थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जिनकी मदद से मैं अपनी वीडियोस को भी ढूंढता हूँ, अपनी वीडियोस के लिए टॉपिक ढूंढता हूँ और मैंने आपको बताया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा इनमें से सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कौन सा पॉइंट था।